जिला पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत के अनुसार जिले भर में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान मारवाड़ जंक्शन पुलिस थाना क्षेत्र के जेतपुरा तिराहे से आगे देवली रोड पर नाकाबंदी के दौरान शाम के समय मामावास तिराहे की ओर से आ रही एक सिल्वर रंग की कार आई, जिसे नाकाबंदी के दौरान रोकने का इशारा किया तो पुलिस बल को देखकर अंदर बैठे लोग घबरा गए और उतरकर भागने की कोशिश करने लगे, जिसको पुलिस बल ने बड़ी मशक्कत से निरोध किया गया। पुलिस ने वाहन में मादक पदार्थ की संभावना होने पर सोजत रोड थाना प्रभारी ऊर्जा राम, उप निरीक्षक थाना अधिकारी सोजत रोड को अग्रिम कार्रवाई हेतु निर्देशित कर मौके पर पहुंचने के निर्देश मिलने पर थाना अधिकारी सोजत रोड द्वारा मौके पर पहुंच उक्त वाहन को चेक किया तो कार के इंजन में एयर क्लीनर के पास एक सफेद प्लास्टिक की थैली में 1 किलो 800 ग्राम अवैध अफीम का दूध मिला, जिसे पुलिस ने बरामद कर गोपाल पुत्र प्रभुलाल जाति माली उम्र 29 निवासी विजयपुर चित्तौड़गढ़ व कमलेश पुत्र भगवती जाति माली उम्र 22 निवासी विजयपुर चित्तौड़गढ़ को गिरफ्तार कर मादक पदार्थ की तस्करी में उपयोग में ली गई कार को भी जब्त किया गया।